per the request of students, I am here to make a video of class 10th, a mathematics chapter, arithmetic progression. NCERT में chapter number 5 है और वैसे ही RD शर्मा में chapter number 9 होता है. arithmetic progression है क्या पहले तो ये देखना होगा हमें. हमने कई सारी series देखी होंगी, number series. इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी क्यूरीज आपको इसके बाद लगें और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हों उन सारे क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और जो भी आपको लगता है उसके बारे में पूछिए. जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसका नंबर, क्वेश्चन नंबर, बुक वगैरह आप इसमें डालिए, उसका स्क्रीनशॉट भी लेके दे सक भेज सकते हैं मेरे पास. इसके साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कि जब ऐसी सीरीज बने, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ दो सीरीज बनाता हूँ, 1, 4, 7, 10. इसके साथ साथ एक और सीरीज बनाता हूँ, 2, 5, 9, 13. ओके, तो ये दो सीरीज बनाई है मैंने यहाँ पे. इन दोनों सीरीज में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है, कि डिफरेंस इन दोनों सीरीज का डिफरेंस क्या है. कि पहली वाली सीरीज में हम देख सकते हैं कि 1 और 4 के डिफरेंस 3 है, और 4 और 7 का डिफरेंस 3 है, और 7 और 10 का डिफरेंस भी जो है वो 3 है. मींस इसमें जो डिफरेंस है वो 3 है, सारे नंबर्स के बीच के जो भी डिफरेंस आ रहा है वो 3 है इस वाले में. इसके बाद अगली सीरीज में हम देख सकते हैं 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, 5 और 9 का डिफरेंस 4 है, और जबकि 9 और 13 का डिफरेंस भी 4 है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 4, और इन दोनों का डिफरेंस भी 4 है. मींस जो डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है, पहले 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4 हुआ. मींस ये जो ऊपर वाली सीरीज है इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, जबकि नीचे वाली सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे. मींस ये होता है कि जब एक सीरीज में जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है तो उस सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, जबकि ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम ना रहे उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहते हैं. तो इस तरीके की दोनों सीरीज हमने यहाँ पे देखी. तो पहली सीरीज से हम आप पता करते हैं, जिस पहली सीरीज को हमने एपी माना था, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जो टर्म्स हैं इन सबको टर्म्स बोला जाता है. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और इसके बाद ये एंड टर्म तक है. एंड टर्म मीन्स कि इनफाइनाइट टर्म्स तक ये होगा. इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस 3 का है. तो उसके साथ साथ अगर फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कहा जाता है ए, जो कि क्या है 1. कॉमन डिफरेंस जो कि इन सब में कॉमन होगा तो वो हम कह सकते हैं क्या है यहाँ पे डी, जो कि क्या है 3. वैसे कॉमन डिफरेंस को अगर हमें फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है a2 - a1. मीन्स कंजेगेटिव क्लास को माइनस करते हैं आपस में तो हम वहाँ पे कॉमन डिफरेंस पता लगा सकते हैं. उसके साथ साथ अगर हमें nth टर्म निकालनी है, अगर nth टर्म निकालनी है मींस tn पता करना है तो फॉर्मूला होता है a+n-1d. इसके अलावा अगर हमें सम ऑफ ऑल n टर्म्स निकालना है तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a+n-1d. इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, a+l. यहाँ पे l क्या है, l है लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज. तो उसके साथ हम देख सकते हैं कि ये कई सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इन फॉर्मूलाज का हम यूज़ करेंगे और इसके बाद हम इसको फाइंड करेंगे. इसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे आएंगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है, अब मैं आपको वो बताता हूँ. अब हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है जो कि एनसीईआरटी से लिया है पहले. तो उसकी एक्सरसाइज 5.1 में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो इसमें कई सारी सिचुएशंस दी हैं जिसमें से पहली सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिखी है. तो इन सिचुएशंस में से हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और कौन सी सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रहा है. तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 जब हम इसका देखते हैं तो लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹5 फॉर द फर्स्ट
₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक टैक्सी फेयर के बारे में बात की जा रही है कि पहले किलोमीटर के लिए वो ₹15 लेगा और उसके बाद जो है वो ₹8 बार बार ऐड करता चला जाएगा। तो क्या ये एपी है या नहीं है? तो हमें पता है एपी मींस, मैं शॉर्ट में इसको बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये तब होता है जब जो सीरीज बनती है उसका कॉमन डिफरेंस आता है, मींस उसके बीच के टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन रहता है, तब इसको एपी बोला जाता है। तो इसमें हम अगर देखें तो पहले उसने कहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर होगा 15, तो सेकेंड किलोमीटर के लिए फेयर कितने का होगा? 15 + 8 मीन्स 23 का। ऐसे ही थर्ड किलोमीटर के लिए फेयर हो जाएगा 23 + 8 मीन्स 31 का, और अगर हम फोर्थ किलोमीटर फाइंड करें तो ये हो जाएगा 31 + 8, 39 का हो जाएगा ये फेयर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर 15 का, सेकंड किलोमीटर 23 का, थर्ड किलोमीटर 31 का एंड फोर्थ किलोमीटर 39 का। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा और ये A4 होगा। तो अगर हम इसके बीच का डिफरेंस देखें तो A2 - A1 अगर हम निकाल रहे हैं तो 23 - 15 8 आया। दूसरा डिफरेंस अगर हम निकालते हैं A3 और A2 के बीच में तो 31 और 23, इनको माइनस कर रहे हैं, फिर से 8 आ रहा है। ऐसे ही जब हम D3 निकालते हैं A4 और A3 में से तो 39 - 31 8 आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस इट इज एन AP, मीन्स कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड सिचुएशन है वो पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मीन्स कि एयर की अमाउंट जो है वो एक सिलेंडर में जब हम वैक्यूम पंप को रिमूव कर देते हैं तब 1/4 ऑफ एयर जो उसके अंदर होती है, जो उसके अंदर एयर बची है उसकी 1/4 हो जाती है। तो इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये 1/4 उसमें से रिमूव हो जाती है जितनी की सिलेंडर के अंदर बची है। तो ये बताना है कि क्या ये एपी कंडीशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान सकते हैं कि लेट एयर इन सिलेंडर हो गई एक्स। तो मतलब पहले जो मतलब एयर है सिलेंडर में वो हमने एक्स लिया है, तो पहले तो ये A1 माना जाएगा, उसके बाद A2 निकालते हैं, एयर रिमेन आफ्टर फर्स्ट मीन्स 1/4 ऑफ एक्स का रिमूव हो जाएगा, तो ये x - x/4 हो गया। और जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 4x - x ये हो गया 3x/4। इसके बाद जब हम दोबारा तीसरी बार में इसको निकालते हैं एयर रिमूव रिमेन, तो 3x/4 था ऑलरेडी इसमें बचा था, तो 3x में से फिर से 1/4 ऑफ 3x/4 माइनस होगा, तो ये हो गया 3x/4 - 3x/16 क्योंकि 4 4 16। इसके बाद एलसीएम आया 16 और ये यहाँ पे हो जाएगा 12x और यहाँ हो जाएगा 3x, तो यहाँ बचा 9x - 16। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले जो एयर थी वो एक्स थी, उसके बाद हो गई 3x/4 और उसके बाद ये हो गई 9x/16। तो अब ये जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी तो इसकी सीरीज जो बन रही है वो ये आ रही है x/4, 3x/4 और 9x/16। तो ये सीरीज इसकी बनती हुई आ रही है। तो अब अगर इसको फाइंड करें कि क्या ये एपी है या नहीं, तो पहले यहाँ पे देखते हैं, पहले इसका डिफरेंस 1 निकालेंगे A2 - A1 से, तो इसमें जो A1 है वो बड़ा है, A2 छोटा है, तो 3x/4 - x करेंगे, ये देखिए 4 हुआ, तो -x/4 हुआ। ऐसे D2 निकालेंगे तो आएगा 9x, पहले तो A3 - A2 कर दीजिए,
तो 9x अपॉन 16 जो था माइनस 3x अपॉन 4, 16 एलसीएम लिया यहाँ पे, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग है, यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन 4 है, यहाँ पे माइनस 3x अपॉन 16 है, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर वन के दो पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं और उन दो पार्ट्स को आप इजीली कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, आप वैसे उसका थर्ड और फोर्थ पार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर टू लिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। तो यहाँ पे फर्स्ट फोर टर्म्स हमको निकालने हैं और टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है, अभी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। तो अगर हम इसकी पहली टर्म निकालेंगे मीन्स टी वन, तो वो तो ए ही होती है क्योंकि ए फर्स्ट टर्म होती है, तो टी वन जो हो गया वो ए हो गया। अगर हम इसकी वन टर्म को निकालेंगे तो टी वन जो है वो ए ही होगा, तो यहाँ पे सीधे सेकेंड टर्म हम यहाँ से निकालते हैं, तो a प्लस टू माइनस वन डी, जो कि a और d को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, a है 10 और ये d भी 10 है, तो ये 1 इंटू 10 हो गया, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। ऐसे ही टी थ्री टर्म निकालेंगे तो a प्लस एन माइनस वन डी फिर से लगाएंगे, तो a हो गया 10, n है 3 और डिफरेंस 10 का, तो 2 इंटू 10 20 होता है, थर्ड टर्म आ गई 30। ऐसी फोर्थ टर्म निकालेंगे, a हो जाएगा 10, 4 माइनस 1 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हो गया 10 प्लस 30 और आंसर आ गया हमारा 40। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमने फर्स्ट टर्म नहीं निकाली, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होती है वो खुद ही a होता है, तो इसको देख सकते हैं, तो हमारी ap जो बन रही है वो ap क्या है, पहली टर्म 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 और फोर्थ 40। हमें फोर टर्म्स निकालने थे, तो इसी तरीके से बचे हुए पार्ट भी हम इसके कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे आऊँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लेफ्ट टू पार्ट्स आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू के लेफ्ट पार्ट आपको खुद कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो इसमें हमें एपी में फर्स्ट टर्म लिखनी है पहले, तो इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3, जो कि क्या बोलते हैं हम इसको a। इसके अलावा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम दिखाते हैं d से, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इसमें क्या होता है a2 माइनस a1 करते हैं मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म में 1 और ये 3, तो माइनस 2 का कॉमन डिफरेंस होगा। इसको इस तरीके से करेंगे, लेफ्ट पार्ट आपको खुद करने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से जितने काफ़ी सारे क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में दिए हुए हैं, तो उसमें ये बताना है कि इसमें से कौन से वाले जो हैं वो AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहे हैं, और अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो करते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस बताइए और उसके साथ साथ थ्री मोर टर्म्स उनकी लिखिए। तो मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी होता है जब उनके बीच का डिफरेंस कॉमन होता है। अब हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फटाफट, डी टी वन टी टू माइनस टी वन करेंगे तो 4 माइनस 2 2 हो गया, इसके साथ टी थ्री माइनस टी टू करेंगे तो 8 माइनस 4 4 हो गया, इसी के साथ टी फोर माइनस टी थ्री करेंगे तो 16 माइनस 8 8 हो गया। अब आपको क्या लगता है ये एपी है या नहीं, तो साफ आप देख के कह सकते हैं कि ये एपी नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमने कॉमन डिफरेंस जो डी वन डी टू और डी थ्री निकाला है वो 2 4 और 8 है, जो कि सेम नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी, मतलब कि ये एपी नहीं है। इसी क्वेश्चन में मुझे फिफ्थ पार्ट डिफिकल्ट लगा, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, इसको फाइंड करने के लिए पहले हम डी वन निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है टी टू माइनस टी वन, टी टू क्या है 3 प्लस रूट 2 और माइनस 3, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो डी वन आ गया रूट 2। ऐसे ही जब डी टू निकालेंगे तो
T2 माइनस T3 माइनस T2, T3 है 2 माइनस रूट 2, और ये माइनस जब हम करेंगे यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 को करना है। तो जब माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट कॉमन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 में से 3 कट गया, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो बचा रूट 2। आप देख सकते हैं कि डिफरेंस सेम आया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं येस इट इज NAP, मीन्स कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है, ऊपर भी रूट टू है नीचे भी रूट टू है, मीन्स ये AP है। और इसके साथ साथ इसका कॉमन डिफरेंस हमें लिखना था, कॉमन डिफरेंस इसका हो गया रूट टू, और इसके साथ अगर वो AP प्रूव हो जाता है तो हमें इसके आगे की और 3 टर्म्स लिखनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म दिए, अब हम यहाँ पे फिफ्थ टर्म इसकी फाइंड करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन डी, ए क्या है 3, ये हो गया 5 माइनस 1, और डी हो गया रूट टू, तो ये आंसर हो गया 3 प्लस 4 रूट 2। ऐसे इसकी सिक्स्थ टर्म निकालेंगे ए प्लस एन माइनस वन डी, फॉर्मूला ए हो गया 3, 6 माइनस 1, और डी हो गया रूट टू, तो ये हो गया 3 प्लस 5 रूट 2। ऐसे ही सेवेंथ टर्म निकालेंगे ए प्लस एन माइनस वन डी, 3 प्लस 7 माइनस 1 रूट 2, तो ये हो गया 3 प्लस 6 रूट 2। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन ये है। इसकी एक्सरसाइज 5.2 अगली वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, और इसको मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने क्लास 10th स्टूडेंट्स के साथ, बाकी के साथ जो नया नया सीखना चाहते हैं, और जो भी क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं मेरे बताने के बाद भी, तो उनको आप कमेंट सेक्शन में जाके मींस कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका डेफिनेटली आपको आंसर बताऊंगा।